यह है हिंदुस्तान का मशहूर शहर मुंबई। यहाँ पूरे भारत से हजारों लोग हर रोज अपनी ख्वाहिशें लेकर आते हैं। कई कामयाब होते हैं तो कोई इस माया नगरी मुंबई की भीड़ में गुम हो जाते हैं, तो कई वापस चले जाते हैं। अब देखते हैं हमारे इन दोनों दोस्तों को मुंबई कहाँ ले जाते हैं। यह है प्रकाश, हमारा पहला टाइम पास, और यह है हमारा दूसरा टाइम पास प्रेम। नाम तो प्रेम है मगर प्रेम से बहुत दूर भागता है, और वो तो आप खुद ही देख लीजिए। तब तक हम भी कर लेते हैं टाइम पास। ए भाई जरा बताना, पहले मुर्गी या पहले अंडा? पहले अंडा या पहले मुर्गी? अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा। मैं भी सोच रहा हूँ। mam 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 am am murge nana nana anda anda mam 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 am 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 murge nana nana anda anda pehle murge pehle anda pehle anda pehle murge murge anda anda murge murge anda anda murge murge anda anda murge murge anda anda murge मुर्गी पहले अंडा, पहले अंडा पहले मुर्गी, पहले मुर्गी पहले अंडा, पहले अंडा पहले मुर्गी, मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी। सोच रही है दुनिया सारी अंडे का ये कैसा पंडा, सोच सोच के तू भी कर ले टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, यही टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। कंटाल गया रे मैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे परिवार के पास जिसका आपको और हमारे दोनों टाइम पास को बेसब्री से इंतजार है। यह है प्रेम विला बंगलो, जिसके मालिक हैं चंपक सिंह। आइए देखते हैं अभी वो क्या कर रहे हैं। सविता कहाँ हो? सविता, यही है बेचारे चंपक सेठ जो अपनी बीवी से परेशान है। क्या हुआ? बेचारे चंपक सेठ की इकलौती मेहरारू जिसको चंपक सेठ से ज्यादा अपने मेकअप से प्यार है। अरे गिर गया, क्या हुआ? हाँ अरे क्या हुआ? मैं गिर गया। ओहो, हे भगवान, टॉवेल गिरा दिया। टॉवेल? अरे टॉवेल के साथ मैं गिरा। अरे आप तो गिरे, टॉवेल को क्यों गिराया? ओहो, मैं गिरा उसका कुछ नहीं, तुम्हें टॉवेल क्यों पड़े? अरे टॉवेल नया है, आप तो पुराने हो। पुराने मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आपकी तो पुरानी आदत है ना गिरने की। अरे? और फिर टॉवेल को भी गिराने की। अब उतारो, उतारो टॉवेल को, वरना गंदा हो जाएगा। ऐसे तो पतलून कहाँ है मेरी, उसके बाद टॉवल उतारूंगा ना। एक तो आपकी वजह से कोई नौकर टिकता नहीं। पतलून कहाँ है? अरे पतलून क्या, सब काम नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर, नौकर, नौकर। मैं भी बाहर निकल के आया था, मैं घर में पहली बार आया था तब इतनी नहीं नाची थी, अब नाच रही है जब नौकर आया है। आइए आइए नौकर भाई, आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए, कब से इंतजार कर रहे थे आपका, क्या आप भी? आइए आइए आइए, नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया। नौकर भाई क्या नाम है आपका? सारू। अरे वाह, सारू। अच्छा सारू भाई, आप कहाँ से आए हो? रेलवे स्टेशन से। अच्छा देखो देखो, रेलवे स्टेशन से। हाँ कैसे आए? चलते चलते। क्या बात है, चलते चलते आए, हम लोग भी कभी कभी चलते चलते आते हैं। नहीं वो फिगर मेंटल करने के लिए चल रहे हैं। क्या करें। कितना मजा आ रहा है, आप कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। क्या बात है, दोपहर तक पढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। आपके चेहरे से दिख रहा है कि आप दोपहर तक पढ़े हुए हो। क्या बोले? अरे 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 नौकर भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये जरा ठीक है ठीक है, लेकिन ये
पुराना फर्नीचर को बोलिए कि बीच में ना बोले। अबे तेरी हकले, पुराना फर्नीचर किसको बोल रहा है बे? किसको बोल रहा है? और नहीं तो क्या, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो? ये क्या कर रहा है जेम्स बॉन्ड? अरे इतना भी सेंस नहीं, जब एक पढ़ा लिखा नौकर अपने सेठानी से बात करता हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ वो बराबर बोला आपने। क्या मतलब? तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार नौकर नहीं हमारे धंधे की वाट लगा दी। अब तेरी ए भगत, मैं इसका पति हूँ। हाँ हाँ, वो तो आपको देख के ही लग रहा है कि शायद आप इसके पति। अब निकल यहाँ से, नहीं तो खींच के दूंगा एक। हाँ, निकल। हाँ जाता हूँ। अगर ये गुस्सा आप पहले किए होते ना, शायद आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती। अब तेरे निकल हकले। क्या हालत हो गई आजकल पतियों की? क्यों क्यों निकाला इसको? क्या क्या कर रहे हो आप? क्या कहने की जरूरत थी? क्या आप मेरे पति हो? मैं वो मुझे पुराना फर्नीचर कह रहा था और तुम्हें कुछ नहीं लगा? मुझे लगा, छोड़ो मुझे। ना तो मैं मुंबई आता और ना आज मेरी हालत होती साले, और ना ही मेरा सामान चोरी होता। सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अब पता कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे? पता साले, ये बजरंगबली। अब तू ही समझा इसको, तू ही समझा। वाह, क्या मुंबई शहर है, क्या लड़कियां हैं यार, एकदम लाल टमाटर जैसी। अरे यार जन्नत ही जन्नत है यहाँ। बाप रे, जय हनुमान जी महाराज। अब मैं क्या करूँ इसका? अबे सड़े हुए आलू, साले कहाँ देख रहा है? अरे कुछ सुन रहा है या नहीं? हाँ सुन ही रहा हूँ यार। क्या उस लड़की के दिल की धड़कन यार? लड़की के दिल की धड़कन? अबे साले मैं सोने की बात करता हूँ, उस लड़की के चक्कर में तो एड्रेस भी गया। अब बता कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? पता साले? अरे यार जन्नत जाएंगे, और कहाँ? जन्नत जन्नत जाएगा, जन्नत 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 दिखाओ तुझे। खड़ा हो साले। अरे क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा, अब वापस गिर जाओ। कुछ नहीं देखा मैंने। ए फिर इनको मालूम होगा सोने की जगह कहाँ मिलेगी, तो फिर इनको पूछना, मुझे क्यों पूछ रहा है? हाँ, साला भाई साहब। ए भाई साहब, क्या यहाँ सोने की जगह मिलेगी कहीं? सोने की जगह? अरे भाई इधर उधर कितनी जगह है, सो जाओ। जी साहब वहीं पे सो जाओ। सोने की जगह? नहीं नहीं, हमारा मतलब कहीं कुछ अच्छी जगह। हाँ जी, यानी आँख में चोली करनी है। आँख में चोली, आँख में चोली। सीधे सीधे बको ना, ये पकड़ो। अरे सोच लिया? सोच लिया तो फिर चलें। लला अबे लला। इतना चिल्लाता का कुए आवाज आ रही है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कैसी है लला? लगता है तू आज फिर से पी गया। कितनी बार बोला तेरे को ऐसा फुल टोन ढिंगली होके इधर आने का नहीं। क्या करूं, बाकी बड़ी याद आ रहे थे इसलिए। ठीक है ठीक है, बोल क्या काम है? ए लला, इन दोनों को है ना सोना है। हुँ?
इनको सोना है? हम दोनों को सोना है। तू जा। अबे हीरो, 100 रुपए निकाल। 100 रुपए? 100 रुपए किस बात के? अबे भगत, मेरे को पूछ रहे है किस बात के? हाँ? अबे तेरे को सोने की जगह दिखाई है मैंने, है? अच्छा। उसके पैसे लगते हैं। चल फटाफट निकाल। अभी 100 रुपए। मेरे को देर हो रही है। हाँ? अबे ला। बेवड़े भाई आप जाओ। बस थैंक यू। ला 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 ला। ये पंडित, तू भी सोएगा? हाँ, क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? कितने घंटे सोएगा? अरे प्रकाश, यहाँ तो सोने का भाव भी घंटे के हिसाब से है। अबे चुप रहना। पूरी रात सोएंगे। हाँ, गद्दे वद्दे तो बराबर है ना? हाँ, गद्दे। हाँ, सब अच्छा है। चलो हाँ, सोते हैं। हाय हाय। कहां लाके फंसा दिया हनुमान जी महाराज? अबे अंदर क्या कर रहे हैं देवदास, मुझे बाहर फंसा कर। देख प्रकाश, अगर तू दोबारा ऐसा करेगा ना तो मैं देख गांव वापस चला जाऊंगा। यार अपना छोटा भाई समझता है ना तू मुझे? कल से क्यों परेशान कर रखा है? मैं गांव चला जाऊंगा, देख ऐसा मत कर यार। वाह। क्या नींद आई यार, मजा आ गया। ए प्रेम, ए प्रेम, क्या कर रहा है? मजा आ गया। तेरे मजे की मार के हट साले। तेरे को मजा आया? मुझे रात को परेशान करके तेरे को मजा आया? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे साले इधर आ, कहां था पूरी रात से? अरे यार सो रहा था अंदर, क्या हुआ मेरे भाई? प्रकाश यार, तूने तो परेशान कर दिया। अरे हुआ क्या, बोल ना। तू मेरे को यहाँ पे, मेरे को चाय पीना है। चल 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 चल, मैं चाय पिलाता हूँ। चल ए पंडित, फिर से आना। बाय बोलना। जी हनुमान। चलो बाय। अरे अरे यार, कितना चलाएगा? चाय की दुकान आ तो गई। चला पिलाता हूँ चाय। भाई दो चाय पिलाओ यार, थोड़ी अदरक डाल देना। हाँ पिलाएंगे, अदरक वाले ही पिलाएंगे तेरे को। तेरे को चाय की बहुत पड़ी है ना? पड़ी है ना चाय की, नींद आ रही है पूरी रात से। लाओ भाई लाओ, इसको दो पहले, इसको बहुत जल्दी है, पी। अदरक तो डाली है ना? हाँ डाली मेरे भाई, सब कुछ डाला है। बढ़िया है। अरे प्रकाश। हाँ? अरे देख देख सामने देख। अबे साले तू लड़कियों को कब से देखने लगा? अबे सामने तो देख। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, क्या लड़की है यार, आइटम है यार। अबे मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, वो देख ऊपर ऊपर, वो रूम भाड़े पर लेने के लिए। हाँ यार चल चल ना, चल जल्दी चल। अरे भैया कितना हुआ?
अच्छा सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आइए बैठिए बैठिए। हाय, आई एम प्रकाश। नमस्कार जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी प्रिया। आहा, कितना खूबसूरत नाम है, जितनी की आप है ना। थैंक यू। अबे काम की बात करना। अबे साले वही तो कर रहा हूँ मैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप क्या क्या कर सकती हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है आप हमें रूम यहाँ भाड़े पर रह सकते हैं? बिल्कुल, यही तो हमारा काम है। हाँ तो हम भी तो वही आपसे बोल रहे थे। क्यों क्यों? हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यार प्रकाश, घर तो बड़ा अच्छा है। वाकई यार बहुत अच्छा है, यहाँ तो हरे भरे बाग बगीचे भी हैं। अरे यार बहुत अच्छा है। तो फिर मेरा हनुमान जी का मंदिर भी होगा ना? हैं? अरे यार यही तो तेरी प्रॉब्लम है। क्यों? जिस काम के लिए आया है वो करना। तो तू दरवाजा खटखटाना। ये कौन तेरा बाप संभालेगा, जाना ठोकना। चल ठीक है, मैं खटखटा के आता हूँ। जा। अरे तू ठोकना यार। हाँ? क्या है ये? क्या चाहिए? वो हमें आपके घर में। ओ, घर में कुछ भी नहीं है, आप जाइए। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें खाना नहीं चाहिए। ओ तो आप दोनों आश्रम से आए हैं, एक सेकेंड। नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली हम आपके साथ रहने के लिए आए हैं। क्या? हाँ वो हमारा मतलब है आपके घर में भाड़े पे रूम लेने के लिए। क्यों? ओ बोलते हैं ना पेइंग गेस्ट। ओ आप दोनों पेइंग गेस्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। I'm really sorry. मैं आप दोनों को भिखारी समझ बैठी। वो तो हम हैं। क्या? चुप रहना। एनीवेज, आइए आइए, कम। अरे वाह, नौकर आ गया, और वो भी दो दो। मम्मा ये लोग नौकर नहीं है, ये लोग यहाँ रहने के लिए रूम देखने आए हैं। ओह, मुझे लगा नौकर आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बात करो इनसे, बात करो। मुझे जरा शॉपिंग पे जाना है, थोड़ा मेकअप खरीदना है, बात करो बात करो। ओके। अरे चुपचाप चलना। अरे यार देखना यहाँ माँ। गुड मॉर्निंग पापा। अरे चुप साले, यहाँ से भी निकलवाएगा क्या? ये लोग रूम रेंट पर लेने आए हैं। नमस्ते अंकल। ओ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए, प्लीज कम। पापा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलूं। ओके बेटा। ओके बाय पापा। तो तुम लोगों को कमरा किराए पे लेना है। हाँ। मेरे पेइंग गेस्ट बनना है। जी अंकल। देखिए मेरी कुछ शर्तें। मंजूर है। पहले शर्तें तो सुन लो, उसके बाद कहो। हाँ, सुनाइए अंकल। सबसे पहली शर्त यह है कि किराया जो है वो 5,000 रुपया होगा महीने। अब मंजूर है मंजूर है। और फिर डिपॉजिट जो होगी वो 1,00,000 रुपए। अरे हाँ, एक मंजूर है। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शर्त जो है वो ये है कि तुम दोनों में से किसी एक को शादीशुदा होना चाहिए। हाँ है ना अंकल, ये प्रकाश शादीशुदा है। क्या मैं? प्रकाश क्या मैं? हाँ तेरी और भाभी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया ना। लो ठीक है, तो सही से कर लेते हैं, फिर आप लोग रहने आ जाना। ठीक है, थैंक यू अंकल। जय श्री कृष्ण पापा। प्रसाद। ए नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ये बीबी वाला नाटक नहीं करेगी। और सुनो, तुम्हारे बाप ने क्या मुझे 20 तोला जेवर चढ़ाए थे जो मैं तुम्हारी बीवी बनूं? नहीं, नहीं, नहीं। पर मगर लला जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, एक बार में समझ में नहीं आता तेरे को, अभी मुझे मेरे धंधे की वार थोड़ी ना लगानी है। जाओ लला जी, मगर अगर मगर के मौत की आंख जाते हो या धक्के मार के निकालूं। चल प्रकाश, अब हमारा यहाँ कोई भी नहीं है, हमें गाँव जाना ही पड़ेगा। सुनो मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ मंजूर है मंजूर है, बताइए ना। अबे सुन तो लो।
सविता नाश्ता कहाँ है यार, यहाँ पेट में चूहे और हाथी दौड़ रहे हैं। लो 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 लो, एक मिनट। क्या क्या लो, अच्छी लग रही हो। ये क्या है? क्या है, क्यों दिखता नहीं आपको? ब्रेड बटर है। ये जला हुआ टोस्ट। तो क्या हो गया, खा लो ना, आज मुझे पार्टी में जाना है, समझे? ये जले हुए टोस्ट का और पार्टी का क्या संबंध है यार? तुम्हारी पार्टी तो 2 बजे है ना? हाँ तो कितने बजे देखो आप? 8। 6 घंटे है मेरे पास सिर्फ। कितना काम है, तो आपकी वजह से कोई नौकर नहीं टिकता है घर में, सब काम अकेले करना पड़ता है। खाओ आज। गई। हमारे देश को है ना 2 पार्टियों ने बर्बाद करके रख दिया है, एक ये किट्टी पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। अरे जय श्री कृष्ण पापा। जीती रहो बेटी, एक तुम ही हो जो सही वक्त पर आकर मुझे प्रसाद खिलाती हो। ये लीजिए। हाय पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा पापा मैं जा रही हूँ जॉगिंग के लिए, बाय, टेक केयर। अरे दो ये। कोई बात नहीं, इनका जॉगिंग है और तुम्हारी माँ का मेकअप, दोनों कभी खत्म ही नहीं होंगे। लो। ओ हनुमान, इधर आ, इधर इधर आ, आ गए तुम लोग? हाँ, हमारी बीवी भी साथ में, ये देखो। है? बीवी हमारी, यानी तुम दोनों की एक ही बीवी है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब प्रकाश की बीवी। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारी बीवी है। भाभी जी, सेठ जी को प्रणाम करो। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई तुम लोगों के लिए वो मेरा आउट हाउस है ना, वहाँ तुम लोगों के लिए जगह है, एक ही कमरा मिलेगा। एक ही कमरा? हाँ एक ही कमरा, और नहीं तो क्या, इतने भाड़े में पूरा बंगला दे दूं क्या? नहीं नहीं, वैसे भी हम एक कमरे में काम चला लेंगे। क्यों? गुड गुड गुड, वेरी गुड। ले जाओ बेटा इनको आउट हाउस ले जाओ। जी ये रहा आप करूं। बजरंगबली, गणपति जी हमारे भगवान को भी थोड़ी जगह दीजिए। जय श्री राम। साले तूने मेरी झूठी शादी के बारे में नहीं बताया होता ना, तो आज ये मेरी बीवी बनकर नहीं आई होती। और वो, हाँ वो तुझे शादी कर लेती और तेरी बीवी बन जाती ना। ए मैं नहीं आई थी तेरे पास, तू चल के आया था मेरे पास। और अगर नहीं परवरता तो ला 2000 दे ऑटो का भाड़ा, मैं जाती हूँ। लैला जी, अरे प्लीज आप मत जाइए ना, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आए हैं। तू चुप रहना, इसकी बातों को मत मानो, प्लीज आप रुक जाइए ना। ठीक है पंडित, तू कहता है तो रुक जाती हूँ। हाँ। मेरे प्यारे ब्रह्मचारी, दूध भी जल गया मेरा, ऐसे कैसे चलेगा, मेकअप तो खराब हो ही गया होगा। ओहो हे भगवान, एक नौकर दे दे, मैंने क्या मांगा था तुझसे, सिर्फ एक नौकर। माता जी मैं नारियल चढ़ाऊंगी, चुंदड़ी चढ़ाऊंगी, सिर्फ एक नौकर दे दे बस। इतनी जल्दी सुन ली मेरी, नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया। तुम हो, मेरे को लगा नौकर आ गया। तो ठीक है मैं जाऊं? नहीं नहीं रुको रुको, देने कपड़े, देने मुझे। तो ठीक है कपड़े निकालिए। अरे मेरे कहने का मतलब पहले ये ले लीजिए और दूसरे कपड़े दे दीजिए। लाती हूँ कपड़े, बैठो। हाँ ठीक है ठीक है, ले ये भी लेके जा। साले कितना बांस मार रहा है, 15 दिन से नहाया नहीं क्या? अबे जाना। अरे पंडित, खराब हो गया, मेरे कपड़े भी ले जाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बीवी नहीं, प्रकाश की बीवी। यही तो तेरी प्रॉब्लम है साले, मेरे गले में घंटी बांध के तू खुद बजा रहा है। तेरे गले में घंटी, तूने मुझे फंसा दिया। लैला जी, जी? सब लेके जाना है? हाँ, सब ले जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये भी। हाँ ये भी। ए भगवान कहाँ फंसा दिया। No!
बेचारा ब्रह्मचारी। ये सारे कपड़े उसको दे देते, मैं खुद प्रेस कर लेती, तू भी ना हमेशा अपनी चलाती है। ये लो जी, मैं ये भी प्रेस कर दो। हाँ। और जो कल कपड़े दिए थे वो कब मिलेंगे बताओ? कल तक आ जाएंगे। ये लीजिए हमारे कपड़े। ये हनुमान जी महाराज, ये मक्खन फंस गया। क्या ये आपके कपड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, जय हनुमान जी महाराज। अरे अरे जय हनुमान। सोना पागल है वो। ये लो भैया जी, ये लो जी, ये लो कपड़े। और ये देखो, ये साड़ी को एकदम अच्छी तरह से धोना जी, एकदम कीमती साड़ी है, समझ गए ना जी। ओफो, अभी कौन फोन कर रहा है मुझे, नौकर तो है नहीं मेरे पास। हेलो हेलो सविता, मैं बोल रहा हूँ। कौन मैं? अरे मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। देखो मेरा मोबाइल मुझे मिल नहीं रहा है। क्या शायद गलती से मैं घर पे भूल गया हूँ। मोबाइल मोबाइल हाँ हाँ, दाई जेब में देखो पैंट के। दाई जेब में तो नहीं है। नहीं नहीं, बाई जेब में देखो। कमाल करती हो, दोनों जेबें चेक कर लिए मैंने, यहाँ तक कि जेब को बाहर निकाल दिया मैंने। जेब में अगर फोन होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? एक काम करो, पैंट उतारो। अरे उतारो उतारो पैंट। पैंट ये करने गया तो शायद अंदर भूल गया हो तो। सॉरी सर, मैं बाद में आऊँ। बाद में आओ, बाद में आओ, बाद में आओ। है कमाल करती हो तुम, पैंट उतारो, रख दो। काट दिया फोन। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर काफी रोग दो जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रा रघुनाथ पटाए लंका जाए श्या सुर लाए, लंकश कोट समुद्र सकाए जात पंचुर बांधने लाए, लंका जाए असुर सवारे श्या राम जी का सवारे लक्ष्मण जी पड़े सकारे, प्राण भरे पेट में दल तोरी जमकारी, आई रावण की पूजा उकारी, भाई पूजा चूर दल मारी, दाईनी पूजा संति जंतारी, सुंदर मुंजन अर्जी तारी, जे 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 मुंजन चारी, कंजंदर कमली। हेलो। हाँ डॉली, लाई संजीवन प्राण भरे पेट में दल तोरी जमकारी, आई रावण की पूजा उकारी, भाई पूजा चूर दल मारी, दाईनी पूजा। सुनना, मेरी एक शर्त है। मैं ना, मुझे ना ऑटो का भाड़ा चाहिए 2000। क्या? एक काम कर, तू फोन रख। मंगल भवन या फोन रख यार। मित्र हूँ सुदर्श रहते हैं जी अभिहारी। साला राम जय राम जय। लैला को बुलाता है 1000। राम जय जय राम। बड़ा आया। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। लैला जी। जी। लैला जी। जी। आप फोन उठा लीजिए ना। क्यों? आप क्या कर रहे हैं? पूजा उजा चल रही है तो मुझे थोड़ा समस्या हो रही है इधर। पूजा चल रही है? हाँ। पंडित जी की पूजा चल रही है। अरे हाँ। करिए पूजा। श्री रामचंद्र। हाँ बोल। आलू भजी मनी हरे लो भाजे। ठीक है डार्लिंग, तेरे लिए आऊंगी सिर्फ। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंगल भवनी मंगल हरे। आती हूँ बस, एक घंटे के अंदर पहुँचती हूँ, जल्दी से रेडी होके। ठीक है डार्लिंग, बाय। सुनना बाय स्वीटहार्ट। जी राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जाना है मुझको हनुमान जी बॉयफ्रेंड से मिलने। मुझे हनुमान के अनुकूल जाकर जय कभी दो लोग जी को जाएगा राम जी। जी सर इधर आइए ना। जय हनुमान के अनुगुण सहज जय कपिस्तु लोक जग राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। प्रेम जी आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? हाँ हाँ कहिए ना। ये फ्रूट काट दीजिए। काट दीजिए ना प्लीज। Huh?
आओ, ये क्या घुस गया? अरे ये क्या घुस गया? निकालो, क्या देख रहे हो? कम? अरे निकालो प्रेम, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकालो ना प्लीज। अरे निकालो ना, निकालो। ओह नो, बचेगा नहीं ब्रह्मचारी मुझसे। कपड़े बेड पे रख दो। ये क्या हो गया मेरे साथ? कपड़ों पे ये बजरंग बली। जान मन महावीर विक्रम बजरंग, हे हनुमान जी महाराज मुझे माफ कर देना, अब तो मुझे ये कपड़े भी धोने पड़ेंगे। हे बजरंग बली, ये कहां फंस गया? हनुमान, छोड़ूंगी मैं। अरे प्रेम जी, ये क्या कपड़े धो रहे हो? हाँ। धो भी नहीं आया आज? नहीं, आज वो नहीं आया। लाओ मैं सुखा दूँ। अरे नहीं, मैं सुखा दूंगा ना। लाओ प्रेम जी, मैं सुखा देती हूँ। तो ये बात है। बच्चों, अब दिखाती हूँ तुम्हें। अरे प्रेम जी, अभी तक लाइए, लाइए प्रेम जी, अरे लाइए ना, लाइए, अरे प्रेम जी लाइए ना, लाओ दो, अभी लाओ। ब्रह्मचारी की बात ले मानी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुह लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत
शादी, सब कुछ है बर्बादी। अरे छीन रही है क्यों मुझसे तू मेरी ये आजादी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच्च दशरथ अजर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चेहरे पे मेकअप लगाया और तू कह रही है मैंने नहीं लगाया मैंने। सविता हाँ क्या है क्या है क्या है ये क्या है? हे माता जी ये तो मेरी लिपस्टिक है। तुम्हारी लिपस्टिक ये दूध में क्या कर रही है? गिर गई होगी। कितना मजा आएगा इसे लगाने में। कितना मजा आएगा आज मैं इसे ट्राई करूंगी। वाओ लवली। क्या परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारे इस मेकअप 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 से। कहाँ जाना इतना सज तज के, तुम्हें जाना कहाँ है इस उम्र में? अरे पापा मम्मा की उम्र अभी दिखती किधर है? पापा जब हम लोग जाते हैं ना साथ में तो मम्मा को मम्मा नहीं कहता। तो क्या कहते हैं? दादी माँ? नहीं पापा हम लोगों की बड़ी बहन कहते हैं। फिर कितनी समझदार है मेरी दोनों बेटियाँ। तुम्हारे जैसी हैं दोनों, मेकअप करके बैठी हुई हैं। अरे चढ़ाओ चढ़ाओ तुम्हारी माँ को और भी चने के झाड़ पे चढ़ाओ। देखो बेटा पापा की बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना, बिल्कुल मत मानना। मैंने जिंदगी में कभी आज तक उनकी बात मानी है नहीं ना। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मत सुनो। अगर पूरी जिंदगी खूबसूरत और जवान दिखना है तो एक चीज का ध्यान रखो, मेकअप और नौकर का। अपनी रेखा को देखो, 55 साल की है फिर भी देखो कितनी खूबसूरत और जवान है। क्यों? मेकअप और नौकर की वजह से। रेखा रेखा है और लेकिन तुम एक आपकी वजह से हमारे घर में नौकर नहीं है और इसीलिए मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ। आपकी वजह से घर में नौकर नहीं है इसलिए मैं मेकअप का ध्यान नहीं रख सकती हूँ। सविता पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मेरी वजह से इस घर में नौकर नहीं टिकता। अब हम शांति से खाना खा सकते हैं। नौकर आ गया, नौकर आ गया। अब मैं मेकअप कर सकती हूँ अच्छी तरह से। नौकर आ गया। घर की जब भी कोई घंटी बजती है तो ये भागती है, नौकर आ गया नौकर आ गया। कल दूध वाले को बेचारे को आधा घंटा बिठा के रखा, वो बोलता है बहन जी मैं दूध वाला हूँ, तुम्हारी माँ जो है दरवाजे पे किसी को पकाएगी। मैं ठीक हूँ डार्लिंग, तू कैसा है? हट। अच्छा बताना मिलने का क्या प्लान है? क्या साला लैला को बोलता है आज मिलने का मूड नहीं है उसका। भूतनी का किसको फोन? राहुल
कैसा है राहुल डार्लिंग? मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी। तो चल बता, आज मिलेगा? कब से नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा बता? हाँ, शादी हो गई साला, अब बैठ के बच्चे पैदा कर कमीने। शादी हो गई, अमित जी को फोन करती हूँ। अबे बुड्ढी उठा ना फोन खड़ूस। हेलो अमित जी, माय डा सॉरी रॉन्ग नंबर सॉरी। लैला, आज जब लैला को किसी से मिलने का मूड है तो लैला से मिलने को कोई नहीं आता। आज जब लैला को जरूरत पड़ी है तो सनम कोई भी ना। अरे बस कर, कितना पिएगी? क्या रे, क्या तू मेरा मर्द है? ना तू मेरा मर्द है ना मैं तेरी औरत हूँ, समझा? जब तुम लोग चल के मेरे पास आए थे मैंने तभी कहा था मैं किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ, इसमें कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों से, तुम दोनों की वजह से मैं अपना एक भी कस्टमर खराब नहीं करूंगी। और तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में अपनी टांग अड़ाने का किसने हक दिया? देखो अगर नहीं परवड़ता ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्यारे पंडित, तू भी आएगा क्या मेरे साथ बाथरूम में? आना। शर्मा क्यों रहा है? चल आजा। पंडित जी आइए ना प्लीज। आइए ना। ब्रह्मचारी। लगता है तू यहाँ से भी निकलो के रहेगा। अबे साले, इस घर में भी रह के मुझे क्या मिलेगा साले? मेरी झूठी शादी करवा के तूने मुझे फंसा दिया साले। दो दो लड़कियाँ होते हुए मैं कुछ? अबे हंसता है साले कमीने, हंसता है तू, हंसता है। मेरी क्या गलती है? तू लेकर आया मेरे को यहाँ पे तेरी वजह से। मेरी क्या वजह? तेरी वजह से हुआ साले। अबे रुक साले, कहाँ भागता है बे? रुक, अबे साले कमीने रुक। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। देखा ये क्या हुआ? कुछ नहीं सोना। सुना रहा है आपको तो। लगता है साले तू यहाँ से भी निकलवा के रहेगा, तू छूटेगा नहीं। तेरी तो रुक रुक बताता हूँ। सूखे होंठ मेरे, प्यासा दिल मेरा, लिपस्टिक न लगा मेरे पास तू आ। लिपस्टिक लगानी पड़े क्यों? वरना चैन न मिले। अरे तू जाके सो जा रे, मैं तो कहती हूँ तू खो जा रे। आजा आजा आ रे आ रे आ रे, ना 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 रे ना रे ना रे। आजा आजा आ रे, ना 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 रे ना रे ना रे। फोन फोन आया रे। हेलो, जय श्री कृष्ण मैन। अरे अमेरिका से मेरी बहन का फोन है। साली को अभी फोन करना था। क्या? ये कहने का मतलब है कि मेरी साली को अभी फोन करना था। हाँ हाँ मैन, हाँ हाँ एकदम मजे में हूँ। अरे ये भी बहुत मजे में है, बाजू में ही बैठे हैं। हाँ बताओ बताओ क्या बात कर रही हो? अमेरिका से लड़का आ रहा है?
अरे हाँ, तो मेरी दोनों बेटियां है ना, सोना और रूपा, एकदम सोना और रूपा जैसी है। दोनों में से जो भी उसे पसंद आए उसके साथ रिश्ता तय कर देंगे, है ना? हाँ ठीक है बेन, ओके। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण बेन, जय श्री कृष्ण। अरे वाह, पता है किसका फोन था? अमेरिका से मेरी बहन का फोन था, मेरी साली का फोन था। पता है उसने क्या कहा? क्या उसकी कहा? ननद का बेटा आ रहा है। क्या नाम है उसका? कुछ अच्छा नाम है, हाँ, जॉन्टी या रॉन्टी या ऐसा कुछ। और अपनी लड़कियों में से एक को पसंद करेगा वो, और हम रिश्ता तय कर लेंगे। समझ गए? समझ गए। क्या समझ गए? अमेरिका से लड़का है, और वो भी पढ़ा लिखा लड़का। तो और हमारे घर में नौकर नहीं है, कितनी इज्जत जाएगी हमारी? कान खोल के सुन लो। बोलो। मेरे कान खुले ही है, कान खोलकर सुन लो। क्यों बोलते हैं इंसान, मुझे पता नहीं। कान खुले ही है, बोलो डार्लिंग। एक हफ्ते में मुझे घर में नौकर चाहिए, और वो भी पढ़ा लिखा। और सुनो, सोना रूपा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनको देखने के लिए लड़का आ रहा है। समझ गए? ठीक है ठीक है। ये नौकर में थोड़ी मुद्दत मिल सकती है? नहीं, आजकल ये पढ़े लिखे नौकर मिलते नहीं है ना, इसलिए थोड़ी मुद्दत मांग रहा था। अरे हाँ, पढ़ा लिखा होगा वो मतलब इंग्लिश में ही बात करेगा। क्यों? देखो, कल से हम लोग सब इंग्लिश में ही बात करेंगे। हे भगवान, अब ये इंग्लिश में बोलेगी। हाँ, क्या? नहीं नहीं, कल से क्यों, आज ही से शुरू कर देते हैं। हाँ, वो भी बराबर है। अब बोलो बोलो, आप बोलो पहले। आई लव यू। पहले नौकर, बाद में लव यू, समझ गए? हाँ, जाओ तकिया लेके बाहर सो जाओ। तकिया लेके बाहर क्यों? मारी नौकर ने ठोकर मारी। बस थोड़ा वॉमिटिंग हुआ। सर घूमा, वो आने वाला है। कितनी खुशी की बात है जी। कुछ है क्या इधर? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तकिया तकिया तकिया। कितनी खुशी की बात है। देखो हाँ जी, अपना ध्यान रखना। हाँ जी, और कुछ भी चाहिए तुझे मुझे बता देना। हाँ जी, कट्टी कट्टी चीजें खाने का मन करेगा। कैरी मेरे पास है। कर रहा है ना? संभाल, अपने आप को संभाल लो, सब अच्छा हो जाएगा। घर में वाओ 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 आएगा, सबको बताती हूँ मैं। माँ बनना हमारे नसीब में कहा। सर ये फाइल चेक कर लीजिए। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ सविता बोलो। सोना रूपा के फादर, लंच ईटिंग? हाँ हाँ ईटिंग, उसी के बाद तो ऑफिस कमिंग और यहाँ पे सीटिंग। अच्छा अच्छा, गुलाब जामुन ईटिंग? हाँ मैं ईटिंग। मैं हाथ से बनाविंग। कैसा लगिंग? हा, दो दो गुलाब जामुन खाएं, उसके बाद पेट की वाट लगिंग, और
दो तीन बार ऑलरेडी बाथरूम में सिटिंग 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 कैसे लगेंगे? लगता है इसकी अंग्रेजी की एक्सपायरी डेट आ गई है। क्या 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 मैं जाऊं कुछ सर? नहीं हाँ एक मिनट तुम जाओ। हाँ थैंक यू सर। तो मैं नहीं कह रहा हूँ उसे कह रहा हूँ। सुनो किस लिए फोन किया था तुमने? नहीं वो सार्जेंट का क्या हुआ? कौन सार्जेंट? वो अपने वो रहता है ना जो काम करता है वो। सविता उसे सार्जेंट नहीं बोलते उसे सर्वेंट बोलते हैं। सर्वेंट नौकर। हाँ। नौकर वही वही वही। सर्वेंट का क्या हुआ? वो तो आने वाला था ना। वो आ जाएगा डोंट वरी। कल परसों में आ जाएगा। अच्छा और सुनो एक बात और। और कितनी बातें बोलनी है तुम्हें। रख दो रख दो टाइम पास। लो फोन कर दिया। ये ना मेन बात तो सुनते ही नहीं। मैं इन्हें कहना चाहती थी कि धोबी के हाथ से तुम्हारी पैंट कमिंग कमिंग कमिंग। प्रकाश अगर तू सच्चे दिल से सोना से प्यार करता है तो आज उसे बता ही दे और ये सच्चाई भी बता दे कि तेरी शादी नहीं हुई है। प्रकाश आज तू अपने दिल की बात सोना को बता ही दे कि तू उससे कितना प्यार करता है। हाँ प्रकाश सोना। जी कहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। आप अरे आपके आगे भी तो कुछ बोलिए। आप प्रसाद दे दीजिए मुझे। हाँ क्यों नहीं ये तो वैसे भी भगवान का प्रसाद है लीजिए। कैसे बताऊं कितना मैं चाहता हूँ चाहत से ज्यादा तुझको मैं चाहता हूँ। अबे साले ये सब तेरी वजह से हुआ है। साले तुझे पता है ना मैं सोना से कितना प्यार करता हूँ। साले तूने ये सब गड़बड़ क्यों की? हाँ मेरी क्या गलती इसमें? साले कमीने तो क्या मेरे बाप की गलती है? रुक साले तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। साले कमीने रुक आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भागता किधर है बे? रुक रुक साले भागता किधर है? कमीने तुझे ना। साला प्रकाश प्रकाश रुक रुक। आई लव यू सोना। शर्म आनी चाहिए आपको एक शादीशुदा इंसान होने के बाद भी आप ऐसे हैं। कैसी शादी? किसकी शादी? ना तो मेरी कोई शादी हुई है और ना ही वो मेरी बीवी है। अरे तू चुप क्यों है बताना। हाँ, लैला मेरी बीवी नहीं है। ये प्रकाश सच कह रहा है। हाँ, वो हमारी मेरा मतलब वो प्रकाश की बीवी नहीं है। वो लैला तो भाड़े की बीवी। हाँ? तो फिर आप लोगों ने झूठ क्यों बोला? हमें मजबूरन झूठ बोलना पड़ा यहाँ रहने के लिए। सोना प्लीज आप माफ कर दीजिए ना हमें। प्लीज सोना माफ कर दो ना प्लीज। रेम ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? दिखता नहीं है क्या तुझे? सामान बांध रहा हूँ साले। आ गया सामान? तो सामान बांध क्यों रहा है? क्यों क्यों बांधते सामान? तूने तो अपनी प्रेम कथा सुनाकर सत्यानाश कर दिया। अब वो लोग हमें घर से धक्का देकर बाहर निकाले उससे अच्छा है हम ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर निकल जाते हैं। अरे मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं तेरी? रेम प्रकाश शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतना बड़ा झूठ बोला तुम लोगों ने। इतना बड़ा झूठ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहाँ है? वो धंधे पे गई। एक थपाट मारूंगा। मतलब ऑफिस में गई अंकल? हाँ तो ऑफिस में गई है, ऐसे बोलना चाहिए ना, धंधे पे गई है। इडियट, ऐसी हालत में अपनी बीवी को कोई ऑफिस में भेजता है? फिर अरे कैसी हालत आ रही है? अरे देखो तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ। तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, माँ। और तुम्हें पता नहीं है? देखो ये तो कैसे है, घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं है। इसने तो मुझे भी नहीं बताया। अच्छा, तुमने मुझे भी नहीं बताया कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। चिरकोट जा बेटा, मिठाई लेकर आओ, सबके मुंह मीठे करवाओ। चाचा जा, मुंह मीठा। तुमने बताया नहीं यार। मैं चाचा बनूंगा। अबे बहुत उछल रहा है तू साले, हैं? बहुत उछल रहा है तू चाचा बनने की खुशी में। ये ले खा 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 कमीने। मैंने क्या किया? अरे तेरी वजह से। क्या? तेरी वजह से आज मुझे क्या क्या बनना पड़ रहा है। क्या मेरी वजह से? अरे साले, पहले भाई की बीवी का हार बनाकर मेरे गले में डाल दिया और अब कंवारा बाप भी बना दिया। बच्चा कौन मेरा बाप पैदा करेगा साले? मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे हमारे प्यार की खुशी में? चाहत से ज्यादा तुझ
तुझको मैं चाहूं यादों में तेरी ऐसी खो जाऊं तुझे याद करके मैं खुद को भूल जल्दी से दूध पी लो वरना आकर कुछ डालेगी रोज दूध ए स्टॉप इट अरे पहले बादाम डाली फिर दूध अरे मम्मी नहीं और नहीं मम्मी क्यों असर हो बादाम खाने से अक्कल आती है समझे कोई अक्कल नहीं आती शादी से पहले मैंने बहुत बादाम खाई थी फिर भी अक्कल नहीं आई हाँ देखो तुमसे शादी कर ली डार्लिंग शादी करने से बादाम खाने से अक्कल नहीं आती ठोकर खाने से आती है अच्छा तो फिर व्हाई नॉट सर्वेंट कमिंग अगर अक्कल आएंगे बहुत तो व्हाई नॉट सर्वेंट कमिंग वो कल आ रहा है और मेहरबानी करके तुम्हारी ये अंग्रेजी उस पर नहीं झाड़ना वरना वो अपनी हिंदी भी भूल जाएगा अच्छा अच्छा बहुत हो गया चुप हेलो अरे जय श्री कृष्णा कृष्णा बेन जय श्री कृष्णा बोलो बोलो क्या बात है जॉन्टी आ गया अमेरिका से जॉन्टी नहीं होगा जयंती होगा वहाँ जाकर उसने अपना नाम बदल दिया होगा जॉन्टी अरे अरे बिल्कुल भी आप चिंता मत करो मेरी दोनों बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं दोनों में से जॉन्टी को जो भी पसंद आया हाँ उसके साथ उसका रिश्ता तय कर लेंगे अबे बोलना साले तू क्या रही है हट कितना लिया ना उसने हे ब्रदर ये प्रेम वाला बंगलो किधर है बॉस लगता है नया है बड़ा मुर्गा लगता है बॉस हे ब्रो ये बंगलो किधर है किस बात की है जय कर ले हाथ साफ
ये ले, तू पकड़ में आया। My gosh, where I have come? Nobody knows. Hey brother, ये प्रेम विला बंगलो किधर है man? यहाँ नए लगते हो? Yeah, first time in India. पहली बार इंडिया? Yeah. किसी ने आपको गलत एड्रेस बताया, यहाँ से बहुत दूर है ये। टेंशन नहीं, अपन तेरे को ले जाएगा उधर। Thanks bro. Hey रिक्शा! सामान सामान, कम रिक्शा। Okay. बैठ भाई। Thank you. बैठो। Thank you man. Thank you. अरे बॉस, क्या जक्कास आइटम थी। चल बे, तेरे को आइटम कैसे हो, कुछ दिखता है क्या? येड़ा कहीं का। उसकी माँ की आँख। उस्ताद, क्या मस्त हाथ मारा आज। साला येड़ा रास्ते में से क्या बोलता मालूम? अमेरिका से भारत आया हूँ शादी करने। वही बैंड बजा दी। ये शर्ट मैं रखूंगा। अबे ये साला अपना। ये क्या है रे? अरे ये तो राशन कार्ड लगता है। अबे पोपट, ये राशन कार्ड नहीं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट। ये तू कभी फॉरेन गया रहेगा तब तो तेरे को मालूम चलेगा कि राशन कार्ड है या पासपोर्ट। ए, क्या रे, तू फॉरेन से पैदा हो क्या है रे? चुप 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 साला। ए, चल सब सामान पैक कर। क्या? हाँ ए जगिया, कहाँ का एड्रेस बोल रहा था तू? प्रेम विला बांद्रा ईस्ट। प्रेम विला बांद्रा ईस्ट। ओहो, लगता है जयंती से जॉन्टी बनना ही पड़ेगा। जॉन्टी अमेरिका से इंडिया शादी करने आ रहा है। इसका मतलब है कि उसे इंडियन कल्चर वाली लड़की पसंद है। तो फिर मैं मॉडर्न बन जाती हूँ ताकि वो मुझे पसंद ना करे और मैं शादी से बच जाऊं। जॉन्टी अमेरिका से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मॉडर्न है और वो मॉडर्न लड़के ही पसंद करेगा। तो क्यों ना मैं इंडियन कल्चर वाली लड़की बन जाऊं। भगवान, घर में सब ऐसे वैसे पड़ा है, कैसे चलेगा? कब तक मैं ये काम करती रहूंगी? मुझ पे दया नहीं आ रही है तुझे? एक नौकर नहीं दिया मुझे? ये देखो किसी को पड़ी नहीं है, बस मैं करूँ। लड़कियां तो रूम के बाहर ही नहीं आती दोनों। हे भगवान, एक नौकर दे दे। अरे मैंने एक लिपस्टिक की एड की थी, नई लिपस्टिक लगाने के लिए 2 घंटे चाहिए मुझे। 2 घंटे दे दे भगवान। ओहो, कौन आया इस वक्त? अरे कोई दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, मुझे ये सब करना पड़ेगा। आती हूँ, रुको। कौन आता रहता है घर में पता नहीं। अरे 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 अरे, एक मिनट, आप कौन है? मिस्टर चंपकलाल इधर ही रहता है क्या? इधर ही, क्यों, आप कौन है? अपन जयंती। जयंती बोले तो जॉन्टी, अपन अमेरिका से आए। जॉन्टी अमेरिका से? अरे जॉन्टी, कमिंग। यू आर थकिंग ना? बैठिंग इधर, बैठिंग। सोना रुपए के फादर, जल्दी कमिंग। अरे क्या कमिंग जॉन्टी, कमिंग। अरे दो, ये नमूना कौन है? जॉन्टी है, जॉन्टी। अच्छा जॉन्टी अमेरिका। अरे आ गया है, अमेरिका नहीं है जो वहां से बुला रही हो। अमेरिका आधी चड्डी पहनकर आया अमेरिका से बेटा? इधर कब आया बेटा? क्या अंकल, अपन को आए तो 25 साल हो गए। 25 साल? अबे तेरी उम्र नहीं पूछ रहा, तेरी मजाक कर रहा है। मजाक क्या है, है ना मजाक क्या? डॉक्टर सोना रूपा आ गए, देखो दोनों डॉक्टर सोना रूपा। हाय, अपुन जॉन्टी। जय श्री कृष्ण। हाय, अपुन सो। जय श्री कृष्ण। चल नाश्ता बना के लाती हूँ। बैठो जॉन्टी।
आधी चट्टी। अरे वाह। अरे ये सीधी सादी सोना आज मॉडर्न लुक में, ये सब क्या है? अरे वो बंदर आया ना अमेरिका से, उसकी वजह से करना पड़ा ये सब कुछ। देखो तंग आ गई मैं तो। तू उसका टेंशन मत ले, आने दे, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। लो जोकर का नाम लिया और आ गया। आने दे उस कमीने को, उसकी तो। हाय सोना। हाय जॉन्टी, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे थोड़ा कसरत विसरत करने का ना, इसे क्या बॉडी सही रहती है। अरे हमें भी थोड़ी कसरत सिखा दीजिए ना। अरे क्यों नहीं? देख क्या है, ये ऐसे करने का, फिर ये ऐसे करने का, और देख इस बार क्या है ना, पेट वाला है, इसको ध्यान से देखने का, ये ना ये देख ऐसे करने का, हाँ, और फिर उसके बाद क्या है ना, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। क्या बात कर रही है, रुकिए मैं साफ कर दूं। दिखाइए। पसीने से याद आया, पसीना निकलने से ना फेस क्या है ना साफ हो जाता है, एकदम कलरफुल हो जाता है। अभी देख दूसरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखने का। बस आज के लिए हो गया। क्या बात कर रही है, बस इतना ही? मैं अभी करके आता हूँ। जी ये क्या कर रहे हो बेटा? अंकल ये कसरत करने का नया तरीका है। झाड़ू लगा के? बिल्कुल मोर लग रहे हो बेटा, मोर। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अरे झाड़ू है झाड़ू। लगे रहो, सुनो सब साफ कर देना। अरे जॉन्टी ये सब मुंह पे क्या लगा? मुझे लगता है वो ग्रीस होता है ना गाड़ी का, वो लगाया है। आंटी ये अमेरिका का क्रीम है, इससे काले धब्बे दाग खत्म हो जाते हैं। है? तो फिर ये हल्दी की जरूरत नहीं? अरे और ये सब क्या? ये कसरत है आंटी, इससे कमर का दर्द खत्म हो जाता है। करिंग करिंग करिंग, कमाल की कसरत है, कमर का दर्द मिट जाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। अरे क्या क्या कर क्या रही हो तुम? अरे फिगर मेंटल करना के लिए सब करना पड़ता है। फिगर मेंटल करने के लिए? अरे ये झाड़ू क्यों बांध रखा है पीछे? झाड़ू बांधने से कमर दर्द नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये तुम्हें किसने कहा? जॉन्टी ने। जॉन्टी जॉन्टी के झाड़ू को आग लगा के रॉकेट बना देना चाहिए उसे। डार्लिंग एक काम करो, हमारे कमरे में भी हो आओ, क्या है कि हमारे कमरे की भी सफाई हो जाएगी। वैसे भी 3-4 दिनों से सफाई हुई नहीं है, घूम घूम कर जा रही है, गिरेगी गिरेगी। अरे रुक, भागता किधर है? रुक, तेरी वजह से सब हो रहा है साले। क्या मेरी वजह से? पहले झूठी शादी करा दी, अब बाप भी बना दिया, बच्चा कौन मेरा बाप पैदा करेगा साले? मुझे क्या पता, वो तो उनको पूछना पड़ेगा। क्या? किसको? मेरे बाप को? हाँ। तेरी तो? रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? अगर लैला को प्रेग्नेंट बना दिया जाए तो? मगर लैला को प्रेग्नेंट बनाएगा कौन? वो तो सही है। मैं। क्या? तुम? हाँ, अगर अगर लैला हाँ बोल दे तो। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब नाटक। प्लीज लैला हमारे लिए कर लो। मुझसे नहीं होगा ये बच्चे बच्चे का नाटक। लैला प्लीज हमारे प्यार के खातिर ही मान जाओ। प्लीज लैला, देखो अगर तुम हमारा साथ दोगी तो तुम भी यहाँ से जल्दी जा पाओगी ना। वो कैसे? मैं समझी नहीं। देखो लड़की हमेशा अपनी पहली डिलीवरी मायके में ही करती है। हाँ हाँ यार, ये तो ठीक कह रही है, लेकिन मैं ये पेट कैसे बढ़ाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैंने सोच लिया। क्या? ये देखो तुम्हारा बच्चा। अरे मेरा बच्चा।
चलो तुम्हारे प्यार के लिए ये भी करूंगी मैं। थैंक यू लैला। ओ मेरा बच्चा। थैंक गॉड फाइनली आई रीच्ड प्रेम विला। आ जा, कितना अच्छा लग रहा है तुमको देख के सचमुच। माफ करना मुझे, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, रास्ते में ट्रैफिक ना, बहुत ट्रैफिक है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, नो टेंस। आ जा, बैठिंग। नमस्ते अंकल। सचमुच सोना रूपा के फादर, जिंदगी में पहली बार आपने इतना अच्छा काम किया। कितना रूपाड़ा है देखो आप, इतना ब्यूटीफुल नौकर लेकर आए आप। ये मेरे हस्बैंड। नमस्ते। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे वाह वाह वाह, जॉन्टी बेटा आ गए। बैठो। जॉन्टी? हाँ, ये जॉन्टी, बहुत ध्यान रखने का। हाँ, खास क्यों? अमेरिका से कमिंग, अमेरिका। बस आ गया, कब से आ गया है वो। इसने तो मेरे ही कपड़े पहने। गॉगल्स, मोबाइल, ये सब तो मेरा ही है। लगता है इन कमीने लोगों ने मेरा सामान चुराया है। और ये साला कमीना यहाँ जॉन्टी बन के क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो इसका भांडा फोड़ने के लिए मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाकी का सामान और पासपोर्ट भी यहीं है। चल बेटा, बन जा नौकर जॉन्टी। बेटा पेपर उल्टा है बेटा। मालूम है अंकल, ट्राई कर रहा था। क्या ट्राई कर रहा था? उल्टा पढ़ने का, साले उल्टे। अच्छा अच्छा, व्हाट नेम? जॉन नहीं, जयंती। जयंतिया, कैसे नाम है जयंतिया? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कहाँ से? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अले ले, आ तो आपड़ो गुजराती छे। अरे वाह। अच्छा जयंती, एक बात बताओ, इंग्लिश आती है? नहीं। आई नो इंग्लिश। नो इंग्लिश? अरे कोलावेरी कोलावेरी। डोंट वरी। अरे इसके कहने का मतलब है डोंट वरी। डोंट वरी। हाँ, आई टीचिंग इंग्लिश। आई गया बेटा, तू तो गया। अपनी मातृभाषा भी भूल जाएगा तू। ध्यान मत देना इनकी बातों पे। हाँ, इधर ध्यान दो। क्यों? अमेरिका से कमी, इनका तो मैं बराबर से ध्यान रखूंगा। साले कमीने, अब तू बच मुझसे। साले तेरे लिए तो मैं नौकर बन रहा हूँ, तेरी तो मैं बाट लगा दूंगा। बस एक बार मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए, फिर मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ। कितना पिएगी? अरे तो मैं क्या करूं, पीने देना उसको। चुमत की संगी कंचन भरण बिना छोड़ रात सुबह सा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ बजे दो जो बजे जन उस जी। लैला, मैं कौन? लैला, मैं कौन? सविता आंटी। अरे बाप रे, इस वक्त जल्दी उठो। अरे साले कमीने, जल्दी उठाना जल्दी। अरे लैला को हटाना वहां से। अरे लैला, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। अरे मेरी माँ, क्या कर रहा है? अरे मेरी माँ, मुझे माँ आ रही है। अरे चल ना बेवड़ी, तू अंदर जाना, चल अंदर जा। क्या होगा? जल्दी 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 दरवाजा खोलना। अरे खोलना, जा खोल। लैला नमस्ते आंटी, आई आई आई। लैला लैला लैला, कहाँ है लैला? वो शराब में। तू क्या? बाथरूम में गई आंटी। अच्छा, बाथरूम में गई। मैं उसके लिए आज खीर बना के लाई हूँ। लाइए ना, हम खिला देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी उसे, अपने हाथों से खिलाऊंगी लैला को। और हाँ, मुझे उससे जरूरी बात भी करनी है। अरे वो लेना। क्या? अरे वो क्या? वो हाँ? अरे वो उनके वो देता भी ना। देख, अरे कमीने, में खीर की बात नहीं, तकिए की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा आंटी, वो तकिया टेबल पर रख दीजिए ना। हाँ, तकिया
कौन सा तकिया? हाँ नहीं 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 वो खीर का, खीर का। आपके हाथ में कटोरा, वही कटोरा बोलो ना। हाँ, कटोरा टेबल पर, टेबल पर रख दीजिए। ये लो कटोरा रख दिया। क्या कर रहा है ये? क्या? नहीं नहीं आंटी, वो सही है। हाँ आंटी, खीर आपने बनाई है क्या? हाँ मैंने बनाई अपने हाथों से। हाँ, हाँ, लैला के हाँ, लिए। बहुत अच्छी बनाई है। लैला ठंडी हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो मजा नहीं आएगा ना? नहीं नहीं वो मैं थोड़ा उधर चला गया था। हाँ ये आवाज कैसी है? अरे नहीं नहीं आंटी, वो प्रकाश को गैस हो गई ना, तो उसकी आवाज है। एक्चुअली आंटी कल रात को कुछ कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। हाँ इसीलिए गैस लीक हो रही है। निकाल दे निकाल दे, इसमें शर्म की क्या बात है? क्यों आंटी, वैसे भी मेरी माँ कहती है जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ये समझता ही नहीं है। आंटी जी। अरे आगे बेटा, आजा आजा आजा, संभाल के। एक काम करो, तुम लोग दोनों जाओ बाहर जाके अपना गैस निकालो, सेहत हाँ। के लिए अच्छा नहीं है। चल भाई, चल। बैठो बेटा, बैठो। हाँ जी। बैठो बैठो। और ये खीर खाओ, ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। खाओ 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 खाओ, सेहत के लिए अच्छा है बेटा, आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। खाओ खाओ खाओ। और देखो भारी काम मत करना हाँ? और थोड़ी थोड़ी कसरत भी करते रहना। हाँ आंटी, वो तो मैं बार में रोज करती हूँ। बार में? मेरा मतलब है बाहर बार 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 करती हूँ। हल्की हल्की कसरत करना, ठीक है? चलो मैं निकलती हूँ। थैंक यू फॉर द खीर। अच्छा बेटा, वेलकम। अरे देखो फिर से कहती हूँ, कोई भी चीज की जरूरत हो आ जाना घर पे। हाँ चलो मैं निकलती हूँ। साला पूरा नशा ही उतार दिया इसने तो। साला थक गई हूँ मैं ये नाटक करके। अरे यार सविता, कब तक मेकअप करती रहोगी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। नाश्ता कहाँ आ रहा है? नाश्ता, शांति रखो। जयंती जल्दी से लेकर आ मेकअप, सॉरी नाश्ता लेकर आ, नाश्ता, चाय नाश्ता जल्दी कर। अरे लैला, लैला फिर गई सुबह सुबह ऐसे? हाँ वेर? बस आंटी मॉर्निंग मॉर्निंग सोचा थोड़ा वॉकिंग हो जाए। गुड गुड गुड, ऐसी हालत में वॉकिंग वेरी गुड, लेकिन स्लो स्लो वॉकिंग। जी 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 आंटी। लैला में लैला, ऐसी हूँ लैला। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग जॉन्टी बेटा, सिटिंग सिटिंग, नाश्ता ईटिंग? नाश्ता कमिंग, फ्रूट फ्रूट। I give it. Jayanti, bringing nasta. लीजिए गरम गरम चाय बिस्किट। ले इनको दे दो। और जयंति जॉन्टी के लिए दूध में की, इसमें क्या डाली? बादाम, पिस्ता, काजू सब डाली। पीले पीले कमीने, आज काजू बादाम वाला दूध पीले। कल साले तेरे को जब जूते पड़ेंगे ना, तो यही काजू बादाम का दूध काम आएगा। He take ना? Come, I cutting and giving, huh? ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो, ऐसी टांगे उठाकर नहीं बैठो। जानती बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। हाँ हा? बोला है ना मैंने, ठीक है? वाला दूध
तुझे तो मैं देख लूंगा जयंती। अरे जयंती, दूध। जयंती लाओ, ये दूध हमें दे दो, तुम जाके दूसरा काम करो। ठीक है मैम, जाओ। जाओ। हाँ। काजू बादाम वाला दूध पीने चला है, मैं पीती हूँ इसे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है हींग पाउडर, हींग पाउडर, हींग पाउडर। कितना यम्मी दूध है सोना, बस इतना और डालना। बस सोना, उसे लूज मोशन लगाएगी तू भी। हाँ ठीक है, अब मजा आएगा सोना, क्या होगा उसका। ये ले। Yes. जा, हींग पाउडर वाला दूध दे आओ बंदर। मैं उस बंदर को ये पिला के आती हूँ, तब तक तो दूसरा गिलास तैयार कर। सोना, जरा बादाम ज्यादा डालना। बेटा अब हो जा दूसरे गिलास के लिए तैयार। और दो? ये तो किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलता है। आप अपनी चाय पियो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लीजिए दूध पीजिए। दूध? और आप? हाँ तो मैं ही तो लाई हूँ अपने हाथों से बना। क्या बात कर रही है, लाओ। थैंक यू। हाँ अरे इसमें बांस आ रही है। उसे बांस नहीं कहते, सुगंध कहते बेटा। हाँ? सुगंध कहते हैं उसे। वो काजू की खुशबू है। काजू की खुशबू है? हमारे इंडिया के बादाम और काजू में ऐसी ही खुशबू आती है बेटा। पियो पियो बेटा, दूध पियो। अब मजा आएगा, बंदर जाएगा बाथरूम के अंदर। पीजिए ना। साफ कर लो बेटा, मूंछ बन गई है मूंछ। हाँ ऐसा आवाज। गुड मॉर्निंग जॉन्टी, ये लीजिए आपका दूध। अरे नहीं नहीं बस बहुत हुआ। अरे नहीं, सुबह को मैं एक ही गिलास पीता हूँ। अरे ठीक है, मुझे लगता है आप हमारे हाथ से दूध पीना ही नहीं। पियो पियो बेटा, दूध पियो। इधर आइए इधर आइए। क्या हुआ? लगता है सोना रूपा दोनों को जॉन्टी पसंद आ गया। देखो देखो कैसे दूध पिला रही है। जॉन्टी बेटा पिंग पिंग। इसमें पसंद करने जैसा है क्या? कितना काला है, अमेरिका से चड्डी पहन कर आया है। चुप। मुझे तो ये जरा भी पसंद नहीं है। चलो चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं अकेला। चलो चलो पी पी पी। आते हैं आप लोग, आते हैं। मैं आ रहा हूँ। जयंतिया
करना पड़ेगा। चल 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 जयंतिया, आज ही कुछ करना पड़ेगा, चल जल्दी। अब देख मैं तेरी कैसी पाट लगाता हूँ। मैं भी आवाज सुनकर आया। अच्छा, मेरे को लगा घर में कोई चोर बोल तो नहीं घुस गया ना। वो क्या है आजकल नौकरों पे भरोसा नहीं करने का। वो भी है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, जा 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 और जाके सो जा, अंकल आते ही होंगे। हाँ, कितना अच्छा लड़का है। ठीक है आंटी, दरवाजा बंद कर देना। हाँ कि प्रकाश की बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ, लेला मिलेला। क्या वो वाकई प्रेग्नेंट है? हाँ, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा? नहीं बस यूं ही, मैंने जब देखा ना। देखा क्यों? देखा औरतों के पेट की तरफ देखते हो? हर कोई चाहे मुझसे। हाँ, शर्म नहीं आती आपको? आंटी जी, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलेगा मिलेगा। अच्छा, संभाल के बैठ, आराम से बैठ, मैं लेकर आती हूँ दूध। हाँ, शांति से बैठ। दबाओ नहीं बेटा, दबाने से वो बच्चे के सर पे वो खड्डा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। ये लो, ले बेटा, ले बेटा दूध ले। अरे अरे संभाल के, धीरे धीरे। ये ले, अपना ही घर समझना, कोई तकलीफ नहीं। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, शांति से जा, धीरे धीरे। घर में भैंस बांध कर रखी है, दूध जब भी चाहिए तब आ जाना। देख लिया? क्या देख लिया? क्या क्या क्यों? हाँ नाश्ता करो ना यार, तुम भी। कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट। मार्केट? मार्केट तो इस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? आओ ना मेरे पास आओ। जन्मन ज्ञान गुण सागर जी का पिस्ते। आओ ना प्रेम। राम दूत तुम्हें तो बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी जी हनुमान ज्ञान गुण सागर जी हनुमान ज्ञान गुण सागर। आओ ना प्रेम। ज्ञान गुण सागर जी हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे प्रेम एक मिनट, ये पाइप पकड़ो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जी, हनुमान ज्ञान गुण सागर जी का पिस्ते लोक जगत। हनुमान ज्ञान गुण सागर जी। अरे आओ ना। हनुमान ज्ञान गुण सागर जी का पिस्ते लोक जगत। हनुमान ज्ञान गुण सागर जी। ब्रह्मचर्य, तेरा ब्रह्मचर्य तो एक दिन तोड़ कर ही रहूंगी। Thank you.
अरे प्रेम यार, अरे प्रेम इतनी देर से कहाँ था? अरे यार, तूने ही तो कहा था कि जन्नत में जाना चाहिए, जन्नत में गया था, जन्नत लगता में। है तूने शराब पी है आज। अरे यार, जन्नत में शराब नहीं तो क्या नारियल पानी पीते क्या? अजीब बात करता है तू। लगता है तूने यार कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है, लेकिन तूने शराब पी क्यों? देख, या तो गम या फिर खुशी। गम और खुशी? हाँ, गम इस बात का मेरे दोस्त कि आज तक प्रेम ने प्रेम को समझा ही नहीं, मतलब। और खुशी इस बात की कि आज मैं सब कुछ समझ गया, सब कुछ। मतलब तुम्हारा क्या है, बोल ना प्रेम। मतलब मुझसे पूछ रहे तू मेरे दोस्त? हाँ। आज तक मैं समझता था कि जन्नत ऊपर है। हाँ भाई, गलत यार, गलत। जन्नत तो सिर्फ नीचे नीचे। अरे समझ समझ। एक बात बोलूं मेरे दोस्त प्रकाश? हाँ बोल। तू सही कहता कि जहाँ जन्नत वही प्यार है। एक बात बताओ। बता। देख, तू बुरा मत मान। तू भाई है मेरा, मैं तुझे बता सकता। मुझे भी प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया। Thank you.
में मेरे खुल गई है वेबसाइट प्यार की, करते करते सर्च मिल गई है साइट यार की, मेरे दिल का तेरे दिल से मिल गया कनेक्शन, लव यू लव यू बोल रहा दिल का ये रिएक्शन, www.com हैक हो गया, डेटा मेरे दिल का आज ब्लैंक हो गया, आके ऑनलाइन गूगल में सर्च कर ले, प्रेम की प्रोफाइल में नाम तेरा पढ़ ले, आके ऑनलाइन गूगल में सर्च कर ले, प्रेम की प्रोफाइल में नाम तेरा पढ़ ले, दिल की फेसबुक में ला पेज लोड कर दे, टैग मुझको करके डिलीट सबको कर दे, दिल में मेरे खुल गई है वेबसाइट प्यार की, करते करते सर्च मिल गई है साइट यार की, सर्वर में अपलोड कर दूं, ऑफलाइन आ जा बाहों में तुझको भर दूं, एक दूसरे को आज फ्रीज कर दे, प्रेम का ये वायरस, ईमेल में जीमेल में प्रेम का ये वायरस, दिल में मेरे खुल गई है वेबसाइट प्यार की, सच मिल गई है साइट यार की, दिल में मेरे खुल गई है वेबसाइट प्यार की, करते करते सच मिल गई है साइट यार की। और क्या भाई बेवड़ा क्या कर रहे, वहाँ बड़े मजे कर रहे तू तो, मजे अबे मजे की माँ की आँख हो रही है, वो साला प्रेम विला बंगलो नहीं है, कार्टून विला बंगलो है, कार्टून विला। क्या बात करे ले? वो साली सेठानी इंग्लिश में ही बात करती है, पति से ज्यादा मेकअप और फिगर का ध्यान है इसकी तरह क्या अबे और वो साला नौकर रात भर सोता नहीं है, साला मैं परेशान हो गया हूँ। अबे तू तू काय को लेट करे ले, जल्दी से माल समेट और निकल उधर से। अबे इतने दिन से मैं भी तो वही चाह रहा था, पर हो तब ना, पर कुछ करना पड़ेगा। अनजान चंपक के वो लैला बोल ना, प्रकाश की बीवी। वो प्रकाश की बीवी नहीं है, अरे वो लैला है प्रकाश की बीवी, और वो प्रकाश की बीवी नहीं है, अरे यार मैं कह रहा हूँ वो प्रकाश की बीवी है, प्रकाश की बीवी नहीं है, अरे यार वो हाँ भी याद आया, मैं वो करके आता हूँ। अरे कितनी बार वो वो प्रकाश की बीवी नहीं है, प्रकाश की बीवी है, वो प्रकाश की बीवी नहीं है। अरे यार कितनी बार तुझे को बोलूं वो प्रकाश की बीवी है, अरे वो प्रकाश की बीवी नहीं है। टेबल को ठोको, तुझे ठोक टूट जाएगा तो पैसा कौन लेगा? नहीं नहीं वो प्रकाश,
ये प्रकाश की बीवी है। प्रकाश की बीवी नहीं है। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? मैं पागल हूँ? वो प्रकाश की बीवी नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये टेबल ग्लास तोड़ डालेगा तू, प्रकाश की बीवी है वो। नहीं है। ए लड़की, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे ए लड़की इधर आओ, इधर आओ। तुम प्रकाश की बीवी हो या नहीं? मैंने बोला था ना, ये प्रकाश की बीवी नहीं है, ये राजू की बीवी है। राजू की बीवी नहीं, मेरी बीवी है। तुम्हारी सॉरी सॉरी भाई, जाओ जाओ, तुम्हारी आपकी बीवी है, जाओ। चंपक क्या ये बता, ये किसकी बीवी थी? अरे यार, न तेरी थी न मेरी थी, तेरे बाप का क्या जाता है? तेरे को जान के क्या करना है? दारू पी। इतने लाफे खाने के बाद आज पता चला कि जिंदगी में शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या देख रहे हो? नहीं, वो पेड़ पौधे देख रहा था। अच्छा, कितने हरे भरे। जयंती जी, सब्जी भाजी लेकर आ जल्दी। जी लाया। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता था। अच्छा पूछिए। वाकई में ये लैला प्रेग्नेंट है? तू क्या खड़े खड़े सुन रहा है? जा अंदर जा। जा जा हट। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आपको क्या प्रॉब्लम है? बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरे ख्याल से वो प्रेग्नेंट नहीं है। ध्यान से सुन लो, वो प्रेग्नेंट है, पांचवा महीना उसका चल रहा है। नहीं, मैंने जब देखा था तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, क्या देखा? हे खोड़ियार माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या देखा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। कहीं जा रही हो? जी जरा केमिस्ट जा रही थी कुछ दवाइयाँ लेने। अच्छा अच्छा, जा बेटा जा, आराम से जा। जी सुन। जी संभल के, हाँ संभल के जाना। संभल के, हाँ बेटा। जी आंटी जी, बिल्कुल संभल के जाऊंगी। हर कोई चाहे मुझसे देख लिया? देखा। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जो देखा है वो ये नहीं है, और जो मैंने देखा था ये वो है। अगर ये अगर मगर मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज के बाद अगर आंख उठा के भी लैला की तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ठीक है भाई, सुन लिया। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा मामला क्या है। अरे जंटी बेटा, नाश्ता खाएंगे? हाँ, ईटिंग ईटिंग। आई गोइंग। आंटी कहीं जा रही है क्या? हाँ आंटी, क्या शॉपिंग? शॉपिंग शॉपिंग पे जा रही हूँ। आप उनको थोड़ा सा काम है तेरे से। काम? थोड़ा बैठना। टॉकिंग? अच्छा अच्छा, टॉकिंग, सिटिंग सिटिंग, आई टॉकिंग। व्हाट व्हाट व्हाट? आंटी अपुन ने लैला को को लैला क्या? आंटी अपुन ने लैला को किसी और मर्द के साथ देखा है। क्या बात कर रहे हो आंटी? और वो मोटा सा काला काला बाल चश्मे कलिंगड़ के जैसा मोटा आदमी को मैंने देखा है, वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम बिल्कुल वो। Ah!
और क्या? और क्या आंटी, वो एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे के बाहों में बाहे क्या क्या क्या? अरे हालत तो मेरी खराब हो गई आंटी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सीआईडी लगानी पड़ेगी। सीआईडी को लगानी पड़ेगी। जयंती वाह, कमाल कर दिया, अब आएगा मजा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लैला प्रेग्नेंट है या नहीं। आज दूध का दूध और पानी का पानी। लगता है सोना के पापा आजकल बिगड़ गए हैं। लगता है उनमें जवानी चढ़ गई है और लैला के मजनू बने जा रहे हैं। तो मुझे उन पे नजर रखनी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? कौन है बे? तुम्हारी दुश्मन। दुश्मन कहा, तुम तो मेरी बीवी हो। क्या कर क्या रहे हो तुम? अब पता चला मुझे, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, गुलाट मारना नहीं छोड़ता। बंदर? शर्म नहीं आती? बंदर बोला मुझे? बिल्कुल सही कह रहा था। चौंटी, गड़बड़ है, गड़बड़ है। चौंटी को देख लूंगा मैं, और पति को बंदर क्या? बिल्कुल बंदर हो, बंदर हो, 70.5 बार बंदर। अरे देखो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें बता। अरे अंकल आंटी, आप लोग यहाँ? बस ऐसे ही घूमने निकले थे। इतनी रात में? पेट आ गया। जी ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। जा बेटा, जा सो जा। संभालना, संभालना। जा, हम लोग भी जाके सो रहे हैं। गुड नाइट बेटा, संभाल के, संभाल के। गुड नाइट। शर्म नहीं आती है? घर में दो दो जवान बेटियां हैं और जवान औरत के सामने देख रहे हो, और वो भी जिसके पेट में बच्चा है। छी 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 छी। तुम गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सब मालूम है मुझे। हे खोड़ियार माँ, शू चाली रहू छे, मैं क्या करूँ? मुझे मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे कहाँ चले गए, अंदर गए? नहीं नहीं, एक जयंती कमीने बास्टर्ड, तेरी वजह से जाने क्या क्या करना पड़ा। बेड, न जाने कितने दिन हो गए ऐसे बेड पर मैं सोया नहीं। मजा आ गया। झाड़ू पोछा करने आया था। हो गया, जा यहां से। ये क्या तेरा बाप ले जाएगा? पागल कहीं का, करने आया हूँ, मारने आया हूँ, क्या करने आया कुछ पता ही नहीं है। अरे पागल है पूरा। अंकल ये कॉफी। थैंक यू बेटा।
अंकल आप सही कह रहे थे क्या? वो प्रकाश की बीवी है ना? हाँ। वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्या है, कोई चोर है? पकड़ा नहीं। चल साला चोर कहीं का, नौकर बन के चोरी करने आया था साला। नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं है? चोर नहीं है तू? Try to understand me. अरे वाह, ये देखो, इंग्लिश बोलता है साला। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? इसकी तू प्लीज मेरी बात सुनो, ना ही तो मैं चोर हूँ और ना ही तो मैं नौकर हूँ। तो फिर कौन है तू, बता? मैं ही असली जॉन्टी हूँ। क्या? क्या? हाँ हाँ, मैं ही असली जॉन्टी हूँ। अच्छा ठीक है, तू असली जॉन्टी है, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? ठीक है मैं आपको दिखाता सबूत। ये है मेरा सबूत। क्या ये राशन कार्ड है? नहीं, ये मेरा अमेरिकन पासपोर्ट, और ये मेरा फोटो, और ये है मेरा साइन। देख जल्दी देख। तो फिर वो कौन है? वो वही कमीना असली चोर है, बास्टर्ड। उसी ने मेरा सामान चुराया था। मैं तो यस शादी करने के लिए आया था, और उस कमीने ने मुझे यहाँ लाकर नौकर बना दिया। मुझे लगता है जॉन्टी सही है। हाँ जॉन्टी, हमें प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज। हाँ जॉन्टी, प्लीज हमें माफ कर दो। हम दोनों आपसे शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, यही ना? हाँ। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब खुश रहो। और हमारी वजह से आपको इतनी हे बेबी, कम ऑन, टेक इट इजी। आई एम सॉरी जॉन्टी। ठीक है, ओके, चलो अब चलता हूँ। ए जॉन्टी। यस मैन। एक मिनट, अगर तू यहाँ से चला गया तो हम चोर को चोर साबित कैसे कर पाएंगे? हाँ यार, तो बता, ये बात भी सही है। हाँ ये बात सही है। मतलब अब हमें उस चोर से शादी करनी पड़ेगी? हम क्यों चोर से शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे शादी। नहीं नहीं जॉन्टी, तुम्हें तो रुकना ही पड़ेगा यार। जॉन्टी प्लीज रुक जाओ ना, हमारे लिए। हाँ जॉन्टी प्लीज, हमारे लिए। हाँ प्लीज। ठीक है, आप लोग कहते तो एक बार फिर से मैं नौकर के कपड़े पहन लेता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। किसे कहते हैं लोग प्यार में हद पार कर देना। उस चोर को हम रंगे हाथ कैसे पकड़ पाएंगे? अरे यार, इसमें कौन सा बड़ा तीर मारना है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ। उसका हाथ पकड़ो और रंग लगा दो। पकड़ लिए रंगे हाथ, है ना? अबे बुद्धू। अच्छा, रंगे हाथ पकड़ना वो नहीं होता, उसको रंगे हाथ पकड़ना मतलब चोरी करते हुए पकड़ना। तो फिर यार तुम लोग सोचो, मुझे पता नहीं है। One minute, listen to me. मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलिए। सोना और रूपा, सबसे पहले तो ये बात हमें आपके मम्मी डैडी को बतानी पड़ेगी कि जयंती चोर है। हाँ सही बोल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रूपा, रूपा, क्या हुआ? क्या करूं? जरा देखो तो सही। क्या कर? अरे ढिंक चुका। जितिया, जितिया। रूपा, ये पैसे ना पापा ने दिए, इनको जरा तिजोरी में रख देना, और ये ले तिजोरी की चाबी। तिजोरी में रखने हैं? और ध्यान से रख देना, ठीक है? ओके। चल। ढिंक चुका। अरे रूपा, मैं मदद करूं क्या? हाँ करो ना। थैंक यू। Why not? Thank you.
जॉन्टी जी, हाँ? जरा ये मदद करना, तिजोरी नहीं खुल रही है। आ रहे लो। खुल नहीं रही। चाबी। थैंक यू। सोना, तिजोरी की चाबी मैंने यहाँ रख दी है, प्लीज संभाल के लेना। तिजोरी की चाबी। ले जाइए इसे, इसका चेहरा ही देखकर मुझे पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा चोर है। ले जाइए इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर, इसने कल रात को बहुत मेथी पकाया है, अब अच्छी तरह से मस्त हवा खिलाना जेल की। ले जेंटिया, हवा खिला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डूबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है जॉन्टी बेटा, ये दोनों हमारी बेटियां हैं, इन दोनों में से तुम्हें कौन सी पसंद आई? मुझे दोनों में से तो कोई भी नहीं। क्या? क्योंकि रूपा और सोना ने अपना जीवन साथी तो खुद ही चुन लिया है। क्या? हाँ पापा, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। पापा और मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है बेटा, ये तो शादीशुदा है। नहीं अंकल। अरे ये प्रेग्नेंट नहीं है अंकल, ना तो प्रकाश शादीशुदा है और ना मैं उसकी बीवी हूँ। क्या? मैं कह रहा था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने इन लोगों के प्यार के खातिर किया है। क्यों, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुम लोगों ने? अगर अंकल हम आपसे झूठ नहीं बोलते ना तो यहाँ रह नहीं सकते। सॉरी अंकल, अगर आपको बुरा लगा हो तो। प्लीज पापा माफ कर दो ना हमें। हाँ पापा प्लीज, इन लोगों को माफ कर दो। हाँ अंकल, प्रेम और प्रकाश जैसे लड़के आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। ये दोनों मेरे साथ रहे जरूर हैं, पर इन लोगों ने कभी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा। ओहो, फिर तो इन्हें माफ करना ही पड़ेगा, माफ कर दो। ठीक है, तुम कह रही हो तो जाओ, माफ कर दिया तुम लोगों को। अच्छा अंकल आंटी, फिर मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लैला, क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी? मैं और अमेरिका? तुमने ही कहा था ना कि प्यार में लोग हद पार कर जाते हैं। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। डबल फॉर्म लगा दो। क्या कर रहे हो ये? सर्वेंट लाने में ठोकर क्यों नहीं खाएंगे? वेर इज सर्वेंट? कल आ रहा है और मेहरबानी करके उस पर इंग्लिश मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी। क्या देख रहे हो? अंडा मुर्गी मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी। पेड़ पौधे देख रहा हूँ, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत है? अगर अंकल हम झूठ नहीं बोलते तो यहाँ रह नहीं पाते। पहले मुर्गी पहले अंडा।
ये सब तो मैंने इन लोगों के प्यार के खातिर ना किया। मुझे माफ कर दो। जॉन्टी बेटा, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। अंडा मुर्गी सोच रही है दुनिया सारी, अंडे का ये कैसा पंडा, सोच सोच के तू भी कर ले। होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आती? मुर्गी अंडा